हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं ऐश्वर्या जापान से फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में बताऊंगी क्यों है जापान इतना क्लीन, यहाँ पे कचरा फेंकने के क्या रूल्स होते हैं और कैसे सारे लोग मिलके एक साथ यहाँ पे सफाई रखते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि जापान इज द वन ऑफ द क्लीनेस्ट कंट्री, बट व्हाई एंड हाउ, कैसे यहाँ के लोग सारे रूल्स को फॉलो करते हैं और कचरा फेंकने के क्या क्या रूल्स होते हैं वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो गवर्नमेंट ने तो क्या है, रूल्स बना के रख दिए, लेकिन उसको फॉलो करना नहीं करना वो लोगों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर सारे लोग रूल्स को फॉलो करते हैं। तो कचरे की कैटेगरीज जैसे बर्नेबल, नॉन बर्नेबल, रीयूजेबल हो गया, फिर रिसाइकलेबल पेपर्स हैं, कार्टून्स हैं, पुराने कुछ कपड़े हैं, प्लास्टिक बॉटल्स हैं, कैंस हैं, तो इनको कैसे फेंकना है वो अलग अलग डेज डिवाइड करके रखे हैं। तो उन डेज में ही आप उनको फेंक सकते हैं। यहाँ पे कचरा फेंकने के लिए कैरी बैग्स डिज़ाइन किए हुए हैं, डिफरेंट कलर में, डिफरेंट साइज में आपको मिल जाएंगे। वो भी सिटी वाइज होते हैं, अलग अलग सिटी के अलग अलग कैरी बैग्स डिफरेंट कलर्स में हो सकते हैं। तो उन कैरी बैग में ही आपको कचरा फेंकना होता है। तो ये तो कचरे की अलग अलग कैटेगरीज की बात होगी। अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कौन सा कचरा किस दिन फेंकना है। तो उसके लिए हमको एक कैलेंडर मिलता है, ये वाला ईयरली कैलेंडर होता है, तो इसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी होती है। चलिए ये दिखाती हूँ मैं अच्छे से आपको। तो ये पूरा कैलेंडर है, इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। ये यहाँ पे येलो वाला प्लास्टिक बैग है और पिंक, तो मोएरू मतलब बर्नेबल इसमें फेंकना है, और मोएनाई नॉन बर्नेबल इसमें फेंकना है। यहाँ पे दिया है कौन सा कचरा कितनी बार फेंक सकते हैं। मोएरू वीक में 2 बार, ये वीक की कांजी है, शू बोलते हैं वीक को। फिर मोएनाई नॉन बर्नेबल मंथ में 2 बार, ये मंथ की कांजी है, मंथ को गात्सू बोलते हैं। फिर ग्लास बॉटल्स हो गई, पेट बॉटल्स हो गई, ये सारे दिए हैं कितनी बार फेंक सकते हैं। अब कौन किस दिन फेंकना है वो देखते हैं। जैसे ये 4th मंथ की अप्रैल की है, तो संडे कुछ नहीं फेंकना है, मंडे मोएरू बर्नेबल वाला बीन मतलब कांच की बॉटल, ट्यूसडे फिर पेपर और जो भी पुराने कपड़े और ये दूसरा सामान हो गया वो वेंसडे फेंकना है आपको। फिर वापस से वीक में 2 बार बर्नेबल फेंकना है, फिर मंथ में 2 बार मोएनाई जो कचरा जला नहीं सकते वो, और ये पेट बॉटल्स और केन्स ये फेंक सकते हैं आप। तो ये इस टाइप से पूरा कैलेंडर दिया होता है। सब्जी के छिलके वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत गीला कचरा, तो वो पीली थैली में, ये वाली थैली में फेंकते हैं, और ये वीक में 2 बार फेंक सकते हैं। तो देखिए सभी लोगों ने येलो वाले प्लास्टिक बैग में ही कचरा डाला है। पेपर की रद्दी जो और कार्टून जो निकलते हैं, ऑनलाइन कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो कार्टून भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको भी ऐसे फ्लैट करके पूरा खोल के फ्लैट करके ऐसे फेंका जाता है। ये देखिए सारे लोगों ने फ्लैट करके फेंका है ताकि रिसाइकल ईजली हो जाए। ये प्लास्टिक की बॉटल्स फेंकने चलते हैं, इन बॉटल्स का दिन है, पेट बॉटल्स में जाएगी ये, तो इनको भी ऐसे नहीं फेंक सकते, इसका रैपर निकाल के अलग डालना होता है और इसका ढक्कन अलग से फेंकना पड़ता है। ये ढक्कन निकाला, ये रैपर निकाला। तो बॉटल्स को ऐसे फेंकते हैं। चलिए मेरे साथ बाहर चलते हैं और फिर दिखाती हूँ कहाँ फेंकना है और कैसे फेंकना है। तो चलिए मेरे साथ बॉटल फेंकने चलते हैं। ये मेरी नई वाली बाइसिकल है, ये भी नहीं देखी होगी आप लोगों ने। तो बस ऐसे ही अलग अलग डे होते हैं कचरा फेंकने के। देखिए केन्स अलग फेंकी हुई है और पेट बॉटल्स अलग है, वो भी केप निकाल के फेंकी है और रैपर निकाल के इसमें डाल दिए। ये नॉन बर्नेबल के लिए सारी पिंक प्लास्टिक बैग में डाला है, जैसे सीडी हो गया, सेल हो गया। अब ये वेंडिंग मशीन के पास भी ऐसे बीन्स रखे होते हैं, वहाँ पे आप बॉटल्स डाल दो। ये
इस सुपरमार्केट के बाहर भी सारे ऐसे डस्टबिन टाइप रखे होते हैं, इनमें भी मिल्क पैक्स, इसमें दूध की जो बॉटल होती है कागज़ वाली वो डालते हैं, पेट बॉटल्स, इसमें प्लास्टिक की बॉटल्स, इसमें भी फूड ट्रेस, इसमें जो बेंटो बॉक्स लंच बॉक्स रहते हैं उनकी ट्रे आती है डिस्पोजल वाली वो डालते हैं। ये तो छोटे मोटे कचरे की बात होगी, अगर बड़े कचरे की बात करें जैसे बहुत सारी अपने घर में ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू रीयूज़ नहीं कर सकते, जैसे टूटी हुई चेयर हो गई, टेबल हो गई या फिर और कोई सा फर्नीचर हो गया, तो रीयूज़ नहीं कर सकते इनको हम, तो इनको ओगाता गोमी बोलते हैं, मतलब बड़े कचरे में जाता है ये। तो इसके लिए भी हमको गार्बेज सेंटर कॉल करना होता है, फिर पिकअप टाइम डिसाइड करना होता है, उस हिसाब से वो लोग लेने के लिए आ जाते हैं। बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात करें जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, तो ये चीज़ें भी थोड़ी बहुत भी अगर ख़राब हो गई या फिर हम हाउस मूव कर रहे होते हैं तो हमको देना होता है, तो इसके लिए रिसाइकल सेंटर पे आप कॉल कर सकते हैं और पिकअप टाइम अरेंज कर सकते हैं। और इन पर क्या कुछ पे करना होता है आपको, तो वो स्टिकर मिलते हैं, तो आप आपके नियर बाय जो सिटी ऑफिस है वहाँ पर जाके स्टिकर खरीद सकते हैं और वो स्टिकर उन पे लगाते हैं, उसके बाद ही पिकअप टाइम अरेंज करते हैं तो वो लोग आके लेके चले जाते हैं। तो बस इसी तरह कचरे को अलग अलग करके प्रॉपर सारी चीज़ों को अलग अलग फेंका जाता है, तो रिसाइकल करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। और मुझे लगता है इंडिया में भी अगर ये रूल्स बनाएं और सारे लोग फॉलो करें तो इंडिया भी बहुत ज़्यादा क्लीन हो सकता है, तो इसीलिए जापान इतना साफ है। और आप जापान के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। बाय।